नमस्कार दोस्तों, डीडी रियर के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने वाला हूं, वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का। और चूंकि क्रिकेट का बहुत बड़ा मैच, महामैच होने वाला है रविवार को 24 अक्टूबर को, तो मैंने भी सोचा कि यार जो क्रिकेट का माहौल चल रहा है तो जरा क्रिकेट के माहौल में ही रंग जाएं और उसी से जुड़े वीडियोस पर रिएक्शन दें। तो ये वीडियो है केएल राहुल के ऊपर। तो केएल राहुल के ऊपर पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है, और आप सब जानते हैं कि केएल राहुल किस लेवल के बल्लेबाज हैं, तो उस पर पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है, क्योंकि पाकिस्तान से मैच है, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, दूसरा मैच हुआ था इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान, जिसमें इंग्लैंड को मात दे दी गई और इंडिया जीत गया। और ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि रोहित शर्मा ने परफॉर्म नहीं किया फिर भी इंडिया जीत गया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैम, आप देखें, उनके पास प्लेयर्स की कमी नहीं है। अब आप देख लें, ईशान किशन जैसा प्लेयर जो कि एक नया यंग बच्चा है, उसके लेवल का टैलेंट हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास ऐसा कोई लड़का ही नहीं है जो आकर 34 पे 50, 34 पे 60 रन कर जाए। उसके बाद आप देखें केएल राहुल 2019 में शायद आपको पता हो ड्रॉप हो गए थे। ड्रॉप होने के बाद उसने जैसे अपने ऊपर वर्क किया, जैसे उसने कमबैक किया है, आईपीएल की उसकी जो है परफॉर्मेंस देख लें आप, उसकी फास्टेस्ट 50 आईपीएल में 17 बॉल्स पे आते साथ उसने की थी। तो अगर रोहित शर्मा ना भी खेले तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, या के ईशान किशन को बिठा के अगर वो रोहित को खिला देंगे फिर तो उनसे जीतना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये है कि अगर आप परफॉर्मेंस पे देखें तो इंडिया इस टाइम बेस्ट है, और अगर आप दुआएं देंगे तो फिर हमारी पाकिस्तान बेस्ट है, अगर आपने दुआओं पे जितवाना है। तो पहले हमारी दुआएं क्यों नहीं लगी इतने सालों से पाकिस्तान को? वर्ल्ड कप में नहीं लगती ना, यही तो वजह है। उस टाइम शायद हमारी दुआएं पहुंचती नहीं ऊपर, पता नहीं क्या चक्कर है, वर्ल्ड कप में नहीं लगती। वैसे सीरीज़ में तो फिर हम कुछ अच्छा कर जाते हैं, वर्ल्ड कप में जो है ना हम प्रेशर बहुत ले जाते हैं। एक मैंने इंटरव्यू देखा था शुएब अख्तर साहब का। तो इंडिया क्यों नहीं प्रेशर लेता फिर? उसकी वजह यही है मैम, उनकी मेंटली वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप जितना मर्जी आप वहाँ पर 400 भी स्कोर कर दें अगर ओडीआई में, तो वो उनके अंदर चेस करने की एबिलिटी है। अब हमें 400 हो जाएगा तो हम तो फील्डिंग से बाहर निकलते निकलते हमें स्ट्रेचर पे लेके जाना पड़ेगा कि हमें ये 400 स्कोर हो गया, तो ये फ़र्क है। मिले कुड़ियां दे गिद्दे विच होवन ते मुंडियां दी मौज बन जाए, नाल रल के जे गिद्दा साडे पावन ते मुंडियां दी मौज बन जाए, गुपहनेरा हरता सानू बिन कुड़ियां दे लगदा, इना रंग बिरंगी परियां नाल चानन सारे जगदा, गेमा गेमी कुड़ियां दे नाल हर कोई महफल सजदी, पौंज कुड़ियां भंगड़ा ते फिर दिल दी डली वजदी, मेले कुड़ियां दे हो मेले कुड़ियां दे हो मेले कुड़ियां दे गिद्दे विच होवन ते मुंडियां दी मौज। क्रिकेट का मामला है भाई, अब क्रिकेट की बातें करें, ये कहाँ आप गाने गाने लगे, और मुझे तो लग रहा है कि वो एंकर मोहतरमा के लिए ही गाना गा रहे हो, तो बार बार उनकी तरफ देख रहे हैं, गाना गा रहे हैं। खैर पता नहीं, मामला क्रिकेट का था तो क्रिकेट की बात होनी चाहिए थी, केएल राहुल के ऊपर बात होनी चाहिए थी, गाने चल रहे, खैर देखते हैं। ਜਵਾਨੇ ਜਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਗਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਪਾਵਨ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬਣ ਜਾਏ। थैंक यू। ये पाकिस्तान के जीतने की खुशी में आपने इतना लंबा गाना सुना दिया हमें। ये पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज से जीतने की खुशी में, और जब इंशाल्लाह इंडिया से जीतेगा तब एक और भंगड़ा सुनाएंगे आपको। अच्छा, नेक्स्ट मैच अब जो है 24 अक्टूबर को है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्या लगता है कितने परसेंट चांसेस है पाकिस्तान के जीतने के और इंडिया के जीतने के? वही वाली बात दोबारा करूँगा, अगर आपने दुआओं पर जितवाना है तो फिर तो पाकिस्तान ही जीतेगा। अगर आप परफॉर्मेंस कंपेरिजन करेंगे तो इस टाइम आप देख लें इंडिया इज द बेस्ट, T20 हो जाए या ODI हो जाए, ऊपर से धोनी साहब फिर उनके साथ जुड़े हुए हैं एज अ मेंटोर खेल रहे हैं, आपको पता है उनके माइंडसेट कैसा होता है ऑन द फील्ड, अब तो वो ऑफ द फील्ड भी अपनी टीम को ट्रीट करेंगे, तो ये है कि बेस्ट विशेज हैं फिर हमारी पाकिस्तान के साथ। अच्छा, बाबर आजम कप्तान है इस दफ़ा, पहली दफ़ा वो इंडिया के अगेंस्ट खेल रहा है, क्या लगता है कुछ बन पाएगा पाकिस्तान का? ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारे जो पहले कैप्टन होते थे 30-30+ ही होते थे, इस दफ़ा हमारा जो कैप्टन है वो थोड़ा यंग है, तो हो सकता है एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ उतरे हैं। हमारे पास अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, शुएब मलिक हो गया, फीज़ हो गया, तो ये है कि उम्मीद की जा सकती है कि अच्छी परफॉर्मेंस होगी, एक अपसेट मैच होगा। लगता है आपको कि बाबर आजम अब अपनी फॉर्म में आ चुका है क्योंकि एक मैच जीत चुके हैं ऑलरेडी? नहीं, बाबर आजम की फॉर्म पहले ही चल रही थी, मतलब 50s में वो रन्स कर रहा था, क्योंकि T20 में होता ही इतना है, 50-60 रन्स इनफ होता है, तो उम्मीद है बाबर अच्छा करेगा। और मुझे उम्मीद है कि बाबर आजम अपनी टीम को आगे लेके जाएगा, और वैसे भी PCB चेयरमैन रमीज राजा साहब आ चुके हैं और वो बड़ा अच्छा लीड कर रहे हैं इस टीम को ना, और बड़ी चेंजिंग्स भी की हैं, और बाबर आजम से हमें बड़ी उम्मीद है कि वो टीम को आगे लेके जाएंगे और लीड करेंगे और विन भी करेंगे इंडिया को इंशाल्लाह ताला, और उम्मीद है कि हम इस दफ़ा वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। ने बीट कर लिया फौरन इजीली, बस कुछ ऐसी भी बीच में चीज़ें आ जाती हैं, कुछ टारगेट का भी मसला आ जाता है, कुछ सियासी लेवल पे भी मसले इनको बड़े दरपेश हैं, जिस वजह से हम पीछे रह गए हुए हैं। आप देख लें अब कि टीम क्रिकेट बोर्ड के लिहाज से हम बहुत पीछे हैं,
और इंडिया बहुत आगे है, जिनकी वजह से उनको क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलने को मिलता है और हमारी पाकिस्तान टीम को बहुत कम मिलता है क्रिकेट खेलने को। और इनके ऊपर ऑब्जेक्शंस भी बहुत ज़्यादा लगाई जाती हैं, एक दफ़ा वो मैच अच्छा खेलते हैं तो दूसरी दफ़ा वो लूज़ करते हैं तो ऊपर से प्रेशराइज आ जाते हैं, जी जनाब आपने ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों किया, तो वो चेंजिंग करना शुरू कर देते हैं, आगे ना उनको मौका नहीं देते ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का। जो नए लोग आए हुए हैं, नए स्टार आए हैं खेलने के लिए, बस ऐसे ही चल रहा है। लेकिन ये है कि रमीज राजा से मुझे पूरी उम्मीद हूँ मैं कि वो पाकिस्तानी टीम को बहुत अच्छा बनाकर आगे लेके जाएंगे। पाकिस्तान हरा देगा इंडिया को, पक्की बात है इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसा पहली बार हुआ है कि रोहित शर्मा ने बैटिंग नहीं की और फिर भी इंडिया जीत गया, इस पर क्या कहेंगे आप? केएल राहुल ने अपना कमाल दिखाया और जीत गया। आपने वैसे पहले कभी देखा केएल राहुल को परफॉर्म करते हुए? नहीं नहीं, मैं इतना नहीं उसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं दे सकते। आपने नहीं देखा उसे खेलते हुए पहले? नहीं देखा है कई बार, लेकिन अभी तो नहीं देखा, ये मैच मैंने नहीं देखा उनका। क्या लगता है पाकिस्तानी टीम केएल राहुल को बीट कर पाएगी? इंशाल्लाह कर पाएगी। राहुल कोई इतना कोई अच्छा प्लेयर तो नहीं है, हमारे बहुत बहुत अच्छे प्लेयर हैं, सारे अच्छे खेलते हैं लड़के। जब देखा ही नहीं तो कैसे कह रहे हो कि केएल राहुल अच्छा प्लेयर नहीं है, जब उसका गेम ही नहीं देखा? आपने खुद कह रहे हो ना कि भाई अभी इसका गेम नहीं देखा मैंने, तो गेम देखिए उसके बाद बात करिए। ऐसे तो मतलब अपने हक वाली बात हो जा रही है कि नहीं 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 यार मुझे नहीं पता यार वो बढ़िया खेलता हो यार मुझे नहीं पता, लेकिन हम तो हरा देंगे जी। अरे हराने के लिए तो उस लेवल पे आना पड़ेगा ना, उस लेवल का मादा दिखाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना हरा दोगे। और अच्छा खेलने के बावजूद फिर भी हार जाते हैं, ऐसा क्यों? ये तो फिर किस्मत की बात है, दो बंदे खेल रहे हैं, एक ने तो हारना ही है, इसके ऊपर तो फिर अल्लाह के ऊपर छोड़े। हमारी तो उम्मीद है अपने लड़कों से कि बहुत इंशाल्लाह अच्छा ही खेलेंगे वो। लेकिन हर बार पाकिस्तान ही क्यों हारता है? ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, इसमें तो कोई बात बंदा नहीं कह सकता। बाज़ दफ़ा हर बंदे की जब मैदान में आता है तो कोई अच्छी परफॉर्मेंस करता है, कोई हल्की करता है, कोशिश तो बंदे की होती है ना। इंडिया की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस दफ़ा बाबर आजम पहली दफ़ा इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, क्या लगता है बीट कर पाएंगे इंडिया की टीम को? इंशाल्लाह जितनी भी स्ट्रॉन्ग वो हो, जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो हमारी टीम के साथ हमारी दुआएं, और बाबर आजम इंशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, बड़ा अच्छा बीट करेगा और इंशाल्लाह डबल सेंचुरी करेगा इंशाल्लाह। कितने परसेंट चांसेस है पाकिस्तान और इंडिया के कि कौन जीतेगा? 110% के पाकिस्तान ही जीतेगा, इंडिया को इतनी श्योरिटी। और अगर हार गया तो? हार जीत किस्मत की बात है, नसीब की बात है, लेकिन हमारी श्योरिटी, हमारी सारी दुआएं, हमारी बेस्ट विशेज जो है हमारी हमारी टीम के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। अच्छा, फिर दुआएं लगती क्यों नहीं है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को? नहीं यार लगती हैं, दुआएं लगी हैं तो इमरान खान वर्ल्ड कप जीता है ना, दुआएं लगी हैं तो इमरान खान वज़ीर आज़म बने ना, अब दुआएं लगेंगी इंशाल्लाह जाएगा वो। देखें तो क्या लगता है कैसे पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को बीट कर दिया है? वो वेस्ट इंडीज़ चले, जैसे आप बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप जो ODI हुए थे उसमें तो चलो एक अपसेट डाउन हो गया, हम आउट हो गए थे, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीम से जिस जगह पर मैच हो रहे हैं ना दुबई और शारजा में, वहाँ पर हमारी टीम बहुत अच्छी है, यानी कि हमारे स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे बैट्समैन, एक तरह का हमारा वो होम ग्राउंड ही रह चुका है दुबई या शारजा जो है, तो उम्मीद है कि हमारी टीम वहाँ पर बहुत अच्छा करेगी। ऐसा तो नहीं है कि वेस्ट इंडीज़ ने बहुत ही कम टारगेट दिया था जिसकी वजह से पाकिस्तान को मौका मिल गया जीतने का? जी ऑब्वियसली बात है, ये तो अभी वार्म अप मैच था तो उन्होंने अपने प्लेयर्स चेक किए हैं कि कौन किस लेवल पे किस तरह अच्छा खेल सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा उनके सारे पुराने प्लेयर्स इकट्ठे थे, कुछ तो खेले भी नहीं, तो ये वार्म अप मैच का मतलब यही होता है कि प्लेयर्स को चेक किया जाए कि कौन कितनी फॉर्म में है। वैसे एक मैच में तो शायद पाकिस्तान ने 180 प्लस बनाए और उसमें वो हार गया वार्म अप मैच में ही, तो वो मैच मैंने देखा नहीं, मैंने कहीं शायद पढ़ा था, तो मुझे लग रहा है शायद ये खबर सच्ची होगी, और अगर झूठी हो तो बताइएगा कि पाकिस्तान मैच हारा कि नहीं हारा, क्योंकि उधर वार्म अप मैच में पाकिस्तान के मैचेस फॉलो नहीं कर रहा था, मैं इंडिया के मैचेस फॉलो कर रहा हूँ, तो बताइएगा मुझे। क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, कुछ देना चाहेंगे? जी उनको सिर्फ बेस्ट विशेज है हमारी कि जो है अच्छा परफॉर्म करें। आपको पता है ये जो पाकिस्तान इंडिया टाकरा होता है बहुत बड़ा टाकरा होता है, ये छोटा मैच नहीं होता, तो ये है कि अपनी जो है यूथ को डिग्रेड ना करें, उनको जो है ज़रा जीत के खुशी दें। अच्छा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ मेरी दुआएं हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मेरे पूरी टीम को ये दुआएं हैं कि वो अच्छा खेलें, अच्छा परफॉर्म करें, प्रेशर में बिल्कुल भी ना आए, इंशाल्लाह बिल्कुल ईजी होकर खेलें, और हमारी दुआएं हमेशा हमारी टीम के साथ हैं। नहीं, आपको फिर ये तो पता ही होगा कि वर्ल्ड कप आ रहा है और मैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं। जी जी ऐसे तो है, मैचेस स्टार्ट हो गए हैं और लोगों में काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है, और इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला जब मैच खास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया का होगा। और अभी रिसेंटली दो मैचेस हुए हैं, जिस एक मैच था पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जिसमें वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया पाकिस्तान ने, और दूसरा मैच था इंडिया और इंग्लैंड का जिसमें इंग्लैंड हार गया। अब 24 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होगा, क्या लगता है क्या चांसेस है पाकिस्तान के जीतने के? जी हमारी तो सारी दुआएं पाकिस्तान के साथ ही हैं,
और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा पाकिस्तान विन करेगा इंडिया को और अच्छे तरीके से उनको हराएगा। और आपको पता हम एज ए पाकिस्तानी हमारी दुआएं हर चीज़। अच्छा, एक जो पीछे भाई सुन रहा था ना बातों को, वो शायद कुछ बेच रहा है वहाँ पे खड़े होके, तो जैसे ही इन्होंने बोला कि इंशाल्लाह पाकिस्तान भारत को हराएगा, उसकी हंसी छूट गई। आपने देखा वो जो पीछे बंदा खड़ा हुआ था, ये वाला बंदा, ये इसकी हंसी छूट गई कि यार क्या बोल रहा है ये। मतलब वहाँ पे हर एक लोगों को पता है कि क्या होने वाला है। हालांकि गेम के दिन कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान हरा सकता है भारत को। पाकिस्तान के साथ ही होती हैं, अगर ये बिल्कुल ठीक खेलें तो मुझे नहीं लगता ये किसी भी टीम से हारें, ये विन ही करेंगे हर टीम के साथ। बहरहाल कुछ हो आ जाती हैं बीच में, कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा डिले करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को नीचे ले आते हैं। अदरवाइज़ हमारी पाकिस्तानी टीम ऐसी टीम है कि ये अगर दिल से किसी भी टीम के साथ खेले ये विन करेगी इंशाल्लाह ताला। और इस दफ़ा ये इंडिया को विन करेंगे इंशाल्लाह ताला, हमें पूरी उम्मीद है। हमारे लड़के बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, वेस्ट इंडीज को अच्छे मार्क्स से हराया उन्होंने, बड़ा अच्छी फील्डिंग थी, बैटिंग थी, बहुत अच्छा खेले हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इंशाल्लाह अच्छे ही खेलेंगे। कैसे हरा दिया वेस्ट इंडीज ने, थोड़ा कम टारगेट दिया था, इस वजह से जीते हैं पाकिस्तान? टारगेट भी कम था, दूसरी हमारे लड़कों की इस वक्त जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत अच्छी है, कोचिंग अच्छी है, चेयरमैन बदले हुए हैं, कुछ आगे ऑफिस के निज़ाम भी कुछ पहले से बेहतर हुए हैं। और दूसरा मैच था इंग्लैंड और इंडिया का, जिसमें इंग्लैंड को मात दे दी गई है, क्या कहना है आपका इस बारे में? उसमें हम क्या कहें, इंडिया के भी प्लेयर अच्छे हैं, इंग्लैंड के भी अच्छे हैं, ये तो हार जीत है, कुछ ना कुछ किसी ने तो जीतना है, किसी ने हारना है, इंडिया के ऊपर हम कोई कमेंट्स नहीं दे सकते। अब नेक्स्ट मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है 24 अक्टूबर को, क्या लगता है कौन जीतेगा कौन हारेगा? मुझे तो इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह के घर से बहुत अच्छी उम्मीद है कि हमारे पाकिस्तानी लड़के जीतेंगे इंशाल्लाह। वो कैसे? वो हमारी जो इस वक्त परफॉर्मेंस है बड़ी अच्छी जा रही है, वेस्ट इंडीज की टीम बड़ी अच्छी थी जिनको हराया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान इंडिया को हराएगा। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया। तो वीडियो हो गया ख़त्म, और देखिए मैं सबसे पहले पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तान की जनता को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा, बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छा परफॉर्म करें। और जैसा कि भाई ने बोला कि बेस्ट ऑफ लक तो बोला है, लेकिन अब पता नहीं किस्मत, शायद वनडे वर्ल्ड कप में 7 बार और T20 वर्ल्ड कप में 5 बार लक ने साथ दिया नहीं है पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी बेस्ट ऑफ लक है भाई लोगों। और भारतीय टीम के लिए कहूँगा कि अपना नेचुरल गेम खेलिए और अपने इतिहास को याद रखिए और अपना मोराल हाई रखिए, क्योंकि मोराल हाई रखेंगे तो मज़ा आएगा गेम में। और प्रेशर तो खैर होगा ही, विराट कोहली पे प्रेशर होगा, बाबर आजम पे भी प्रेशर होगा, तो प्रेशर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि विराट कोहली के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मैचेस वो खेल चुके हैं, बहुत ज़्यादा मैचेस वो जिता चुके हैं, अपनी टीम को एक साथ लेकर चलते हैं। और सबसे बड़ी बात नहीं भूलनी चाहिए, धोनी टीम के साथ हैं और धोनी की मेंटल स्ट्रेंथ का लोहा पूरी दुनिया मानती है, तो ये भी प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि भाई धोनी मेंटोर है भारतीय टीम का, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और लंबी लाइन तो पूरी टीम तो है ही, वो ऑलरेडी बहुत मजबूत है, ऊपर से धोनी भी साथ में है, ड्रेसिंग रूम में साथ में है, प्लेयर्स के साथ है, वो एक एक चीज बताएंगे, तो यानी कि धोनी फील्ड से बाहर है लेकिन उनके विचार, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग, उनकी प्लानिंग, वो सब फील्ड के अंदर दिखेगी। तो ये भी बाबर आजम के लिए बहुत बड़ा प्रेशर झेलने वाला मौका होगा कि भाई विराट कोहली को तो झेलना ही झेलना है, धोनी भी हैं तो धोनी को भी झेलना है उनको। और मुझे लगता है कि मैच बड़ा जबरदस्त होने वाला है, तो देखते हैं 24 अक्टूबर को क्या होता है। तो जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।